तमाम व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल राइस, क्योंकि हम जानते हैं कि चावल जो है वो एक बहुत ही मरगूब गजा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। तो हमारे पाकिस्तानियों के सभी घरों में ये बहुत ही शौक से खाए जाते हैं और बहुत ही शौक से बनाए भी जाते हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस। इसके लिए हमें जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो है शिमला मिर्च, जो कि हमने एक नॉर्मल साइज की शिमला मिर्च ली है, उसको पीसेस में कट करके हमने रख ली है। उसके बाद एक कप मटर और एक कप छोटी यानी कि नॉर्मल साइज की एक हम लेंगे गाजर। उसके अलावा उसके बाद हम लेंगे एक नॉर्मल साइज का प्याज, दो नॉर्मल साइज के प्याज, उनको हम कट करके रख लेंगे। उसके बाद नॉर्मल साइज का एक आलू, और जैसे कि आप बाकी देख सकते हैं कि नॉर्मल जो भी चीज़ें डलती हैं एक बिरयानी के बनाने के लिए वो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि मिर्च है और एक नॉर्मल साइज का छोटा टमाटर और क्रस्ट किया हुआ हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला है और कड़ी पत्ता वो है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे एक लेमन का जूस, दो चम्मच डाल लें, हसबे जायका डालना है, जैसे आप चाहें आप डाल सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस। अब स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालने लगे हैं प्याज, डेढ़ कप ऑयल है उसमें हमने डाल के उसको फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे ताकि वो ज्यादा जले नहीं प्याज। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे हम दो कटी हुई सब्ज़ मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक, जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के पहले रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे हसबे जायका लाल मिर्च और उसके साथ हम डालेंगे सूखा धनिया। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे गाजर खाने के लिए और मटर। मटर हम इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने के लिए और गाजर भी थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम इसे पहले डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं। एक चुटकी कलौंजी हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं डाल, जैसे आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। उसके बाद हसबे जायका इसमें नमक डाल लेंगे हम। अच्छा, हम एक किलो चावल बना रहे हैं तो हम इसमें डेढ़ चम्मच नमक का डाल रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और साबुत धनिया। इसमें से अच्छी तरह पका लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कलर आने लग चुका है, तो हम अभी इसे थोड़ा और पकाएंगे। हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस दो चम्मच, आप हसबे जायका डाल सकते हैं जितना आप चाहें। अब हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने इसलिए आखिर में डाली है क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने इस हिसाब से डालना है कि जितने हमारे चावल होंगे उनका डबल हमने पानी डालना है, यानी कि हम एक किलो चावल बना रहे हैं तो हम इसमें दो किलो पानी डालेंगे।
अगर आपने चावल ज़्यादातर भिगो के रखे हुए हैं तो आप पानी कम भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप चावल 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपने भिगो के रख चुके हैं तो आप 2 किलो पानी की जगह 1.5 किलो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो हमारा पानी हमने डाला है वो बॉईल हो जाए अच्छी तरह से और जो सब्जियां हमने डाली हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी हमारा पकना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। वेजिटेबल्स भी बिल्कुल पक चुकी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं चावल। और हमने जिस बर्तन में चावल डाला है वो अच्छी तरह से साफ करना है क्योंकि ये रिस्क है और इसे बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। अब हम इसे उतनी देर तक पकने के लिए रख देंगे जब तक कि जो हमारे पानी है वो बिल्कुल सूख ना जाए, थोड़ी थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो हम इसको दम लगा देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। इसमें जायका हम डाल रहे हैं, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आप चाहें डाल। देख लें व्यूअर्स, जब हम देखें कि पानी ड्राई हो चुका है यानी थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, तो अब हम इसको दम लगा देंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसको 5 से 8 मिनट तक हमने इसको दम दिया है। अब हम देखेंगे कि माशाल्लाह, देख लें कि चावल बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि चावल नीचे ना लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग-अलग एक एक चावल हमें इस वक्त नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह से बन चुके हैं और खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है।